पवनदीप राजन के साथ इतनी बेइज्जती। भले ही किसी की नजर में पवनदीप छोटे मोटे कलाकार होंगे, लेकिन पवनदीप के फैंस की नजरों में पवनदीप बहुत बड़े सिंगर हैं। और ऐसे में अपने पसंदीदा सिंगर की ऐसे डिसरिस्पेक्ट पवनदीप के फैंस बिल्कुल देख नहीं पाए। सोशल मीडिया पर पवनदीप के सपोर्टर्स का गुस्सा देखा जा रहा है। पवनदीप के साथ जब भरे मंच पर ऐसी बदतमीजी हुई तो पवनदीप के फैंस का खून खौल गया। पवनदीप राजन की सेहत पर भले फर्क ना पड़ा हो, लेकिन फैंस ने वो किस्सा खुली आंखों से देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गौर भी किया और भड़ास भी निकाली। वीडियो देखकर आपको भी गुस्सा आएगा। दरअसल हुआ ये कि कल पवनदीप के जन्मदिन वाले दिन मुंबई में एक प्रेस मीट रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार विद्युत जामवाल अपने फिल्म IV71 का प्रमोशन करने पहुंचे थे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान पवनदीप भी दिखाई दिए। अब पवनदीप वहां क्यों पहुंचे, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कि पवनदीप फिल्म में आवाज दे रहे हों, सॉन्ग हो या फिर म्यूजिक दिया हो, या फिर पवनदीप को यहां किसी से मुलाकात करनी थी। खैर, जब पवनदीप का कनेक्शन इस फिल्म के बारे में पता चलेगा तो जरूर बताएंगे। फिलहाल तो जब मंच पर एक्टर विद्युत जामवाल बैठे थे तो एंकर ने पवनदीप की पहचान करवाई। पवनदीप एक्टर को रिस्पेक्ट देते हुए उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने पैर छुए। पवनदीप विद्युत के पैर छूते हैं, लेकिन विद्युत हिलते डुलते तक नहीं है, उनके इस रिस्पेक्ट की कदर तक नहीं करते हैं। बस एक स्माइल देते हैं और फिर ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे पवनदीप को यहाँ पैर छूना ही नहीं चाहिए था। पवनदीप ने तो रिस्पेक्ट दी, इतने सारे लोगों के बीच पवनदीप ने उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया, लेकिन एक्टर ने पवनदीप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन के लिए जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं, बड़ी और तगड़ी प्लानिंग भी हो गई है। इस वक्त अरुणिता के गिफ्ट पर सबकी नजर है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हम पवनदीप के जन्मदिन की बात कर रहे हैं। फैंस तो पवनदीप का जन्मदिन भूल ही नहीं सकते। जी हाँ, पवनदीप का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। अरुणिता कांचीलाल अपने इस करीबी दोस्त के लिए क्या करने वाली हैं, इस वक्त हर कोई इसी सवाल पर दिलचस्पी ले रहा है। वैसे तो अब इनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है, क्योंकि बात इन दोनों के बीच की नहीं बल्कि अब इन दोनों के अलावा इन दोनों की फैमिली भी जुड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे की फैमिली से घुल मिल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता अब दोस्ती से रिश्तेदारी तक हो गया है। तो पवनदीप का बर्थडे स्पेशल बनाने में अरुणिता तो कुछ प्लानिंग कर ही रही होंगी, हक भी बनता है। 27 अप्रैल को पवनदीप को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी गुड न्यूज आप तक शेयर करते हैं, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल पवनदीप अरुणिता का नया शो आने वाला सोनी टीवी के कुछ स्टार्स कलर्स टीवी पर दिखाई देने लगे हैं, तो कहा जा रहा है कि मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। ऐसे में पवनदीप नए शो में नए चैनल में काम करना शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब जो इनका शो आने वाला है वो कलर्स टीवी पर आएगा। इस शो में पवनदीप अरुणिता के साथ साथ टाइली कामले, निहाल तारो, दानिश और नेहा कक्कर और रोहन प्रीत भी नजर आएंगे। मतलब कुछ धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि नेहा कक्कर जिस शो की जज है उसी शो में पवनदीप अरुणिता विनर बन चुके हैं। ऐसे में नेहा कक्कर और पवनदीप का रिश्ता भी बहुत अच्छा बताया जाता है। पवनदीप अरुणिता की किस्मत खुल जाएगी अगर ये शो इनका हिट जाता है। इंडियन आइडल 12 की कंटेस्टेंट सायली कामले की बुरी खबर से कांप उठा पूरा देश। सायली कामले का जीना दुश्वार कर दिया। सायली कामले की जिंदगी में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक से एक शो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो रोए जा रही हैं। सायली कामले की हालत देखकर अरुणिता कांचीलाल भी कांप उठी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए। दरअसल हुआ ये, सायली कामले को जब हाउसफुल शो में देखा गया तब से लोगों ने उनकी हेल्थ को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। सायली ने अभी अभी तो शादी की थी कि उन्हें ये दिन भी देखना पड़ जाएगा, यकीन नहीं होता। हाउसफुल के सेट से सायली की जो फोटोज देखी जा रही उन्हें मोटी कहकर मजाक बनाया जा रहा है। शादी के बाद से सायली का पेट बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों ने उन्हें ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए हैं जिसे बताया भी नहीं जा सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको टीवी पर देखकर हमें शर्म आती है, टीवी पर जब आपको काम ही करना है तो अपना वजन भी कम करना सीखो। सायली कामले इतने गंदे गंदे कमेंट देखने के बाद भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो बहुत हंसमुख और चुलबुली लड़की है, तो इन कमेंट्स का उन पर असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी सायली कामले के जगह अगर कोई और भी लड़की हुई तो उससे बुरा लग सकता है। इन कमेंट्स को सायली तो इग्नोर कर देंगी, लेकिन क्या कोई और लड़की सह पाएगी, क्या अरुणिता इन कमेंट्स को सह पाएंगी, उन्हें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सायली को जरूर फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कहता है, लेकिन किसी की फिटनेस पर इतने गंदे कमेंट करना क्या ठीक है? सायली और अरुणिता
अनीता की एक साथ वाली फोटो पर भी बवाल मच रहा है। फोटो को ध्यान से देखे तो शायली और अरुणिता में बहुत फर्क देखा जा रहा है। जहाँ अरुणिता पहले से पतली हो चुकी है, स्टाइलिश हो चुकी है, तो वहीं शायली पहले से और ज्यादा मोटी हो गई है। लेकिन इसमें उनका क्या दोष, किसी की बॉडी पर इतने गंदे कॉमेंट करना भी ठीक नहीं है। अरुणिता को भी डर सता रहा है कि अगर वो ऐसे मोटी हो गई तो क्या उन्हें भी निराश होना पड़ेगा, क्या उनके फैंस उन्हें भी निराश कर देंगे ऐसे गंदे कमेंट करके। आपको बता दें शायली कामले ने पिछले साल ही शादी की थी। तो गली में चांद निकल आया और ईद मनाई जा रही है। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता की बात करें और ये ईद पवनदीप अरुणिता ने भी बहुत अच्छी तरह से मनाई। लंबी छुट्टियों के बाद एक शो में वापसी कर रहे हैं पवनदीप अरुणिता। टीवी शो में पवनदीप अरुणिता को देखते ही इनके फैंस खुशी से पागल हो गए, उनके लिए जश्न मनाया जा रहा है। तो पवनदीप अरुणिता जिस शो में आ रहे हैं उसका क्या नाम है और पवनदीप अरुणिता ने इस शो में क्या क्या हरकतें की, वो सब देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाने वाले हैं। क्योंकि शो का नाम एंटरटेनमेंट की हाउसफुल है और हर कोई इस शो में जी भर कर हंसी मजाक करता है, मस्ती करता दिखाई देता है। बिग बॉस 14 की विनर रह चुकी रुवीना दिलाइक अब अपने इस शो में नए नए गेस्ट को बुलाकर लोगों का ध्यान खींच रही हैं। अब तक कई सारे सेलिब्रिटीज इस शो में आकर मौज मस्ती कर चुके हैं और अब बारी है पवनदीप अरुणिता और इंडियन आइडल 12 के टीम की। और इस एपिसोड में वो सब देखने को मिलेगा जो आपने 2 सालों में नहीं देखा। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता ने सारी हदें पार कर दी। पवनदीप अरुणिता इतने सीधे साधे थे और इस शो में आकर उनका इतना नटखट चुलबुला अंदाज देखने को मिला कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। रुवीना के इस शो में कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनके बारे में समझना तो बहुत दूर की बात है, बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप खुद टीवी पर पवनदीप अरुणिता के इन गेम्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अरुणिता, शायली, निहाल, दारुल, दानिश सब के सब इस शो में गेम्स को खेलते दिखाई देंगे, लेकिन कोई भी ये गेम्स नहीं खेल पाता है। और पवनदीप जो कि जन्म से ही टैलेंटेड कहे जाते हैं और पवनदीप का टैलेंट यहाँ भी देखने को मिला। पवनदीप ने यहाँ के अजब गजब गेम में भी अपना हाथ मार लिया। तो फाइनली पवनदीप अरुणिता के लिए वो खबर सामने आ गई जिसके लिए दुआएं की जा रही थी। पवनदीप अरुणिता की काफी दिन बाद पहली झलक देखकर ही फैंस खुशी से पागल हो गए। आज का संडे पवनदीप अरुणिता ने बेहतरीन बना दिया। पवनदीप अरुणिता के लुक की तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले पवनदीप अरुणिता के इस नए शो के बारे में बता देते हैं। पवनदीप अरुणिता एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल टीवी शो में एक खास अंदाज में नजर आ रहे हैं जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर आते ही धमाल मचा रहा है। पवनदीप अरुणिता ने वो हरकतें की जिनके बारे में आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे और 2 सालों में अब तक आपने पवनदीप अरुणिता का ये रूप भी नहीं देखा होगा, वो इस मंच पर आपको देखने को मिलेगा। शो में देखने को मिला जब अरुणिता का कोई नाम ठीक से नहीं ले पाता, कोई अरुणिता बोल रहा है, कोई अरुणिता बोल रहा है, जिसके बाद अरुणिता के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती और वो तरह तरह के मुंह बनाने लगती और मंच पर ही तोड़ फोड़ करने लगती। अब शो ही एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल है, मतलब पूरी तरह से कॉमेडी और हंसी मजाक दिखाई देगा। तो रुवीना के शो के लिए और पवनदीप अरुणिता की स्पेशल एंट्री के लिए आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।